हेल्दी डाइट विद ताबिश, ठीक है जी। और उसके बाद मैं गैजेट वीडियोस बनाना शुरू कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ताबिश और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो ताशिफाई यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ जो कि मेरे यूट्यूब का जो मेरा जर्नी है उसमें मैं छोटी टिप्स बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी सीख सकें, आप लोग भी अपना चैनल ग्रो कर सकें और आप लोग भी अपने चैनल से फ़ायदा उठा सकें। तो ये उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी चैनल हैं या जो अपना चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले बड़ा क्विकली मेरे चैनल के बारे में इंट्रो, मैं पिछले 12 साल से स्वीडन में रह रहा हूँ और स्वीडन में लाइफस्टाइल के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, तो मेरे चैनल पे जाके देखें, आपको होपफुली उनसे फ़ायदा होगा। अच्छा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि आपके जो चैनल है उसकी डायरेक्शन कैसे डिफाइन होती है, उसमें आपने किस तरह का कंटेंट बनाना है वो कैसे डिफाइन होता है और उसके बारे में आपने क्या चीज़ें सोचनी है। आज मैं आपके लिए ये जो वीडियो लेके आया हूँ ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज़ों पे है कि आपने जब अपनी वीडियोज़ को अपलोड करना शुरू करना है तो यू नीड टू थिंक अबाउट फ्यू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके चैनल का नाम क्या हो। आपके चैनल का नाम, आप अपने चैनल को पहले दिन से ब्रांड करना शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई नाम रखें ABC XYZ व्हाटएवर आपने जो भी, लेकिन अपने चैनल को ब्रांड करना शुरू करें। वो ब्रांड आपके चैनल के कंटेंट्स का जब आप उसके डिस्क्रिप्शन लिखें, टैग्स लिखें, वहां पर होना चाहिए और आप फिर लोगों के साथ कम्युनिकेट करना शुरू करें वो ब्रांड। जैसे मैं अपने चैनल के हर इंट्रो में ये कहता हूँ कि मेरा नाम ताबिश है और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो ताशिफाई यूट्यूब चैनल। तो मैंने अपने चैनल को ताशिफाई नाम दिया क्योंकि मुझे ये एक ब्रांड मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि ताबिश अपने थॉट्स शेयर कर रहा था, आइडिया बिहाइंड वॉर्स के जी ये ताशिफाई इट्स लाइक My thoughts, मुझे Spotify से थोड़ा सा इंस्पायर हुआ था मैं, तो Spotify एक स्ट्रीमिंग सर्विस है म्यूज़िक की। एनीवेज, तो आप अपने चैनल को ब्रांड करना शुरू करें, शुरू से सोचें कि और लॉन्ग टर्म सोचें। ऐसा चैनल का नाम ना रखें कि आप अगर उस कंटेंट से हटकर कोई कंटेंट बनाएं तो वो आपके चैनल के ब्रांड नेम के साथ रिलेट ना करें। फॉर एग्जांपल, मैं अगर ये बनाना शुरू कर अपने ब्रांड चैनल का नाम ये रखूँ कि हेल्दी डाइट विद ताबिश, ठीक है जी, और उसके बाद मैं गैजेट वीडियोस बनाना शुरू कर दूं, उसके बाद मैं उसमें गाड़ियों की वीडियोस बनाना शुरू कर दूं, तो बेसिकली दैट द चैनल वॉज हेल्दी डाइट। तो आप शुरू से ही ये सोचें कि आपने अपने चैनल को नाम क्या देना है और उस ब्रांड के इर्द गिर्द आपने काम करना है। कोशिश ये कीजिए, अगर तो आपकी बहुत ही स्पेसिफिक सी नीश है, फॉर एग्जांपल आप गाड़ियों के इंजन के बारे में वीडियोस बनाते हैं, तो आप नाम रख सकते हैं इंजन इन्फॉर्मेशन विद ताबिश और इंजन इन्फॉर्मेशन। बट अगर आपका ये मूड है कि आपने बहुत सारी डिफरेंट डोमेन में कॉन्टेंट्स पोस्ट करने हैं, तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि कैसा एक जेनेरिक नेम रखें जिसकी वजह से आपकी कोई स्पेसिफिक कैटेगरी डिफाइन ना हो, उसमें आप हर तरह की वीडियो पोस्ट कर सकें। ऑफ कोर्स आपको डिफाइन करना पड़ेगा आफ्टर सम टाइम कि आपका चैनल किस टाइप का है। उशू बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं पीछे क्योंकि उसको कोई बर्ड नज़र आ गया, मैं बार बैठ के वीडियोस बना रहा था। तो ये जी एक बड़ी क्विक सी टिप थी कि आप अपने चैनल का जब नाम रखें तो अपने चैनल के नाम को डिसाइड करते हुए लॉन्ग टर्म सोचें कि आपने अपने चैनल पे कंटेंट कैसा पोस्ट करना है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कंटेंट कैसे डिफाइन करना है, अब मैं बता रहा हूँ कि आप जब डिफाइन कर लें कि अच्छा जी मैंने मेडिसिन की वीडियो बनानी है, मैंने गाड़ियों की वीडियो बनानी है, मैंने मेकअप की वीडियो बनानी है, तो यू नीड टू फाइंड सम गुड नेम। अगर तो बड़ी ही क्लोज सी नीश है और आपको पता है, आप श्योर हैं कि आपने इसके अलावा और कोई कंटेंट नहीं पोस्ट करना, तो फिर तो आप उसको बड़ा नाम में भी आप उसमें बड़े स्पेसिफिक हो सकते हैं, वरना हमेशा अच्छा यही होता है कि आप उसमें थोड़ा सा जेनेरिक नेम में जाएं और कोशिश करें कि ऐसा नेम हो जिसकी डोमेन भी शायद अवेलेबल हो। उससे फ़ायदा ये होगा कि माइट भी आप इस चैनल से इतना ग्रो करें कि आपका ऑडियंस और उस कल को आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें और आपने वो किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे बेचनी हो तो वो डोमेन ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल हो। जैसे मेरे पास मेरी डोमेन अवेलेबल है tashify.com, जाके चेक करें, वो एक ब्लॉग है जिसमें मैं इन्फॉर्मेशन पोस्ट करता रहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ और मेरे लिए दुआ कर दें प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।